भारतीय टीम अपनी कमजोर गेंदबाजी और खराब बल्लेबाजी की वजह से हार गई, लेकिन जिस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता वो है हार्दिक पांड्या। मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या ने अपनी विस्फोट बल्लेबाजी से संजीवनी देने की कोशिश, लेकिन पाकिस्तान की चुस्त फील्डिंग के शिकार बन गए। हार्दिक पांड्या अपनी तूफानी बल्लेबाजी के एवज टीम इंडिया के स्कोर में शानदार 76 रन जोड़ने में कामयाब रहे। हार्दिक पांड्या ने 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से महज 43 गेंदों में 76 रनों का स्कोर खड़ा किया, लेकिन एक रन चुराने की कोशिश में पाकिस्तानी कप्तान सरफराज की चुस्त फील्डिंग का शिकार बन गए और इस तरह भारतीय उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझ गया। 22वें ओवर के खात्मे पर टीम इंडिया ने 100 का आंकड़ा पार किया, लेकिन 23वें ओवर की गेंद फेंकने के लिए शादाब खान को भेजा गया। बल्लेबाजी क्रीज पर हार्दिक पांड्या थे। उन्होंने पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़े, चौथी गेंद मिस कर गए, लेकिन 5वीं गेंद पर चौका जड़कर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीद जगा दी। 6ठी गेंद पर 1 रन लेकर बल्लेबाजी अपने पास रखी। इस एक ओवर में 23 रन जड़े। हार्दिक पांड्या अपनी तूफानी बल्लेबाजी से खेल रहे थे। 26वें ओवर में उन्होंने जमकर खेला और आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े। 27वें ओवर में हसन अली गेंदबाजी करने आए क्रीज पर जडेजा थे और इस दौरान 1 रन चुराने में हार्दिक पांड्या आउट हो गए, लेकिन उन्होंने मायूसी के दौर में जिस तरह का खेल दिखाया, जब पवेलियन लौटे तो स्टेडियम में एक हीरो की तरह उनका वेलकम हुआ। हार्दिक पांड्या भले ही शतक से चूक गए, भारत को एक सम्मानजनक पारी तक पहुंचाने से चूक गए, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया।